करते हुए अब कुछ बड़ी खबरों का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर अब कनाडा से जुड़ी हुई है। बेनकाब हो रहा है खालिस्तानियों का चहेता कनाडा। और सिर्फ भारत और कनाडा के बीच में अब ये बातचीत नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर आलोचना कनाडा के कदमों की हो रही है। भारत के खिलाफ ट्रूडो के आरोपों से श्रीलंका भड़का हुआ है। श्रीलंका के विदेश मंत्री हैं अली साबरी, जिन्होंने बड़ा बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि आतंकियों के लिए कनाडा सुरक्षित पनाहगाह है। ये बहुत बड़ा बयान श्रीलंका की तरफ से सामने आया है। कनाडा जिस तरीके से खालिस्तानी आतंकियों का समर्थन करता है, जस्टिन ट्रूडो अभिव्यक्ति की आज़ादी का हवाला देते हैं, लेकिन खालिस्तानी आतंकी जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं और जगह जगह प्रोटेस्ट करना, हिंसा करना, खालिस्तानी आतंकियों की साजिश को बेनकाब करता है। और ऐसे में जस्टिन ट्रूडो अगर हिमायत करते हैं खालिस्तानी आतंकियों की, वोट बैंक के चक्कर में ही सही, तो फिर फजीहत वैश्विक स्तर पर हो रही है। दुनिया में भारत की विदेश नीति का डंका बज रहा है और अब ये किसी से छिपा नहीं है। कनाडा विवाद के बीच में भारत के पक्ष में बांग्लादेश भी आ गया है। कह रहा है बांग्लादेश भारत पर गर्व है, ओछी हरकत भारत करता नहीं है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री हैं, उनके जरिए बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि भारत के साथ हमारे मजबूत और ठोस संबंध हैं और ये संबंध ऐसे ही बने रहेंगे। पहले श्रीलंका फिर बांग्लादेश की तरफ से भी भारत के समर्थन में बयान सामने आ रहे हैं और आलोचना कनाडा की हो रही है, जस्टिन ट्रूडो के बयानों की हो रही है, जिसमें जस्टिन ट्रूडो की तरफ से बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। चंडीगढ़ से अमनप्रीत कौर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई हैं। अमनप्रीत, जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो या फिर कनाडा की तरफ से रिएक्शन सामने आते रहे, अब ये तय समझिएगा सिर्फ बांग्लादेश और श्रीलंका नहीं, बल्कि और भी देश आएंगे जो कि कनाडा के खिलाफ बोलेंगे और भारत का साथ देंगे। जाहिर है क्योंकि मसला देखिए बड़ा गंभीर है। खालिस्तान का मुद्दा ये आज का नहीं है, बहुत ही पुराना मुद्दा है। और जब बात खालिस्तान की जाती है, आतंकवाद की जाती है, तो हर देश को ये चीज़ बड़ी ही समझ है कि हमें अगर अपने देश में अमन शांति को बहाल करना है तो इस आतंकवाद को खत्म करना, जड़ से खत्म करना होगा, जिसके चलते हुए ये चीज़ जो है लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन अगर इसके शरह की बात की जाए तो जिस तरीके से सक्सेसफुल जो प्रोग्राम रहा, G20 का जो प्रोग्राम था, इसके बाद भारत की जो एक तस्वीर सामने निकल के आई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आ गई थी कि भारत एक शक्तिशाली और एक बहुत ही समृद्ध देश है। जिसके बाद लगातार जो ये कहा जा रहा था कि और जैसे ही खालिस्तान के खिलाफ भारत का जो एक्शन देखा जाता है और खालिस्तान के खिलाफ सख्ती की जाती है, चाहे वो कैनेडियंस जो दूतावासों के, चाहे उनके पासपोर्ट्स रद्द करने की बात की जाए, चाहे OCI जो कार्ड्स रद्द करने की भी बात की जाए, जो तमाम जो एक्शन जो लिए गए भारत की तरफ से, तो कहीं ना कहीं भारत को इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि भारत इसमें सख्ती करेगा चाहे कोई भी हो। तो अब जो विदेश जो अलग अलग जो देश है, अब उनको ये चीज समझ में आनी शुरू हो चुकी है कि अगर हमें भी अपने देश में अमन शांति चीजें करनी है तो उसके लिए बेहद जरूरी है कि जिस तरीके से भारत ने जो एक्शन लिया है वो एक्शन बेहद ही सराहनीय है और इस तरीके के एक्शन से ही हम चीजों को खत्म कर सकते हैं। और जिस तरीके चौतरफा आलोचना झेलने वाला कनाडा, अब उसका अगला कदम क्या होगा, इस पर भी निगाहें इंडिया न्यूज़ की बनी हुई है। अमनप्रीत, आप रहिएगा। इस बीच एक और अपडेट अपने दर्शकों को देने, खालिस्तानियों को निस्ता नाबूद करने की बड़ी प्लानिंग अब हो रही है। खालिस्तानी गैंगस्टर्स पर नकेल कसी जा रही है और ये तैयारी बड़ी है। गैंगस्टर्स पर कार्रवाई के लिए NIA ने बैठक बुलाई है। NIA देश भर के ATS प्रमुख के साथ बैठक करने वाला है। 5 और 6 अक्टूबर को दिल्ली में ये बड़ी मीटिंग रखी गई है। 19 खालिस्तानी आतंकियों की लिस्ट जारी करना, आतंकी पन्नू की संपत्तियों को जब्त करना, चंडीगढ़ और अमृतसर में ये एक्शन देखा जाना। और अब माना ये जा रहा है कि इस लिस्ट में जो बाकी खालिस्तानी आतंकी हैं उन पर भी इसी तरह का शिकंजा कसेगा। 5 और 6 अक्टूबर को अलग अलग हिस्सों से ATS प्रमुख आएंगे देश भर से और अब यहाँ बड़ी मीटिंग NIA की तरफ से रखी गई है। अमनप्रीत, पहले खालिस्तानी आतंकियों की सूची तैयार करना, लिस्ट जारी करना, पन्नू की संपत्तियों पर एक्शन हो चुका है, ये तैयारी बड़ी है ताकि खालिस्तानी आतंकी को जड़ से उखाड़ा जा सके। जाहिर है क्योंकि जिस तरीके से पन्नू ने जिस तरीके से आज से नहीं लंबे समय से वो लगातार जिस तरीके का वो प्रोपेगेंडा चलाता आया है, खालिस्तान को प्रमोट करता आया है और कनाडा में बैठे जो कुछ कुछ जो कट्टरपंथी हैं कहा जा सकता है, या जो कुछ लोग हैं जिनको वो इकट्ठा करके इस तरीके के प्रोपेगेंडा करता रहता है। सैन फ्रांसिस्को में जिस तरीके से वो विवाद होता है, ब्रिटेन में विवाद होता है, उसके बाद ये जो चीजें हैं, सख्ती जो भारत की जाती है उसके बाद। लेकिन अब जो एनआई की बैठक बुलाई गई है, जाहिर है इसमें एक बड़ा फैसला, क्योंकि एनआई जब भी कोई एक्शन करती है या कोई बैठक बुलाती है तो जाहिर है मसला जो है वो बहुत ज्यादा टॉप लेवल का हो जाता है। और दूसरी बात है कि इस बैठक के बाद कुछ बड़े जो एक्शन है वो लिए जा सकते हैं, कुछ बड़ी जानकारियां। पन्नू के बाद अब जो टोटल जो 18 जो बाकी बचे हैं खालिस्तानी, अब उनके खिलाफ जल्द से जल्द जो कार्रवाई को लेकर लगातार जो है एनआई की तरफ से जो काम किया जा रहा है, छापेमारियां की जा रही हैं। मेन यह है कि किस तरीके से खालिस्तान को अब पूरे तरीके से खत्म किया जा सके, जो शांति बहाल जो हमारे देश में रहे, किसी तरीके का कोई भी प्रोपेगेंडा वो आगे अब ना कर सके, इसको चलते हुए चीजें की जा रही है। आमतौर के ऊपर अब 2024 के चुनाव भी आने वाले हैं, तो उससे पहले इस तरीके के एक्शन कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं हमारे देश में शांति रहे। खालिस्तानी आतंकियों के साथ साथ आम लोगों में भी ये मैसेज आना जरूरी है कि आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है हिंदुस्तान, और इसीलिए ये बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं और आगे भी तैयारी है। मनप्रीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस जरूरी अपडेट को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो हिंदुस्तान तैयार है खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ बड़े एक्शन के लिए, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कुछ नहीं बल्कि सब कुछ भूल रहे हैं। खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ तो बता दिया और अब सफाई भी देने लग गए हैं, लेकिन कनिष्क हवाई हादसे को दुनिया भला कैसे भूल सकती है? आतंकियों को शरण देने वाला कनाडा कैसे अपने नागरिकों को बचा ही नहीं सका? हिंदुस्तान के कई नागरिक इस हादसे में शहीद हो गए। 37 साल के बाद भी अभी तक इंसाफ मिला नहीं है। रिपोर्ट देखिए। जरा याद करो कनिष्क विमान हादसा, आतंक का सबसे घिनौना चेहरा। आसमान में उड़ रही थी लाशें, आसमान से समंदर तक खून के फव्वारे। खालिस्तानी आतंकियों का सबसे घिनौना बदला। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से पीएम जस्टिन ट्रूडो तिलमिला सा गया। आतंकियों के यार का ठप्पा लगवा चुके ट्रूडो शर्मनाक बयान देने लगा। भारत को कमजोर समझने वाला ट्रूडो भारत की एक घुड़की में ही सफाई देने पर उतर आया, लेकिन जरा याद कीजिए 1985 के कनिष्क विमान हादसे को। फिर ट्रूडो की नासमझी और अड़ियलपन का अंदाजा लगाया जा सकता है।